आज लोकतंत्र के पर्व का बेहद ही खास दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जो जा रहे हैं, जिस तरीके से सुबह से तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी आपको बता दें कि पीएम आवास पर जो मीटिंग चल रही थी, चाय पे चर्चा जो हो रही थी, तमाम मंत्रियों का आना जाना था, ऐसे में सभी मंत्री जो गए थे वो बाहर आ गए हैं। तमाम बड़े चेहरे जो कहा जा रहा है कि जिनका नाम उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं हिंद कवर। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम लगातार उन तमाम जानकारियों पर नज़रें बनाए हुए हैं कि एंड मूवमेंट पर क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, ऐसे में जिस तरीके से हम लगातार जब से चुनावी रुझान सामने आ रहे थे उस पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार तो नहीं हो जाएगी, और तमाम जो सहयोगी दल हैं वो जिस तरीके से मंत्री मंत्रालय की मांग कर रहे थे तो उसको बीजेपी कैसे फुलफिल कर पाएगी, बीजेपी के पास कौन से मंत्रालय रहेंगे, कौन से बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे नज़र आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह 7:15 पर हो जाएगा, तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं, विदेशी मेहमानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, G20 सम्मेलन जैसी ही पूरी जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर था वैसे ही बनाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस हम मंत्रालयों की लगातार बात कर रहे हैं, उन चेहरों की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है कि CCS में जितने भी जो 4 बड़े मंत्रालय होते हैं, जहाँ पर बात की जाए गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय, ये जो अहम मंत्रालय हैं ये बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं, ये किसी सहयोगी दल के पास नहीं जाने वाले हैं। इन मंत्रालयों को बीजेपी किसी सहयोगी दल को नहीं देने वाली है, ये वो अहम मंत्रालय हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो मंत्रालय बड़े मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय बताए जा रहे हैं, जैसे कि सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति CCS के ये बड़े मंत्रालय जो कि बीजेपी के पास रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अपने पास इन मंत्रालय को रखने वाली है, और सबसे बड़ी जानकारी जो ये सामने आ रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये सभी ऐसे मंत्रालय हैं जो मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल के दौरान बीजेपी के पास ही थे। ऐसे में जब इन मंत्रालयों की बात होती है, इन बड़े मंत्रालयों की बात होती है, तो ये साफ तौर पर क्लियर हो जाता है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह या अमित शाह, ये बड़े बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के, जो स्टार प्रचारक रहे हैं बीजेपी के, जो बीजेपी जिन चेहरों से बनी है, इन तमाम जो बड़े मंत्रियों के नाम भी सामने आते हैं, और बीजेपी जिन मंत्रालयों को अपने पास रख सकती है वो ये मुख्य मंत्रालय है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की बार बार बात हो रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार को क्या मिलने वाला है, और जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जो मीटिंग में नहीं पहुँचे हैं और ये बड़े मंत्रालय बीजेपी नहीं देने वाली है, स्पीकर पद की भी बात हो रही है कि आखिरकार उसकी भी अभी कोई क्लियर जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में हम लगातार वो हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एंड मोमेंट पर कोई ऐसी घोषणा NDA की ओर से की जाए, जिस तरीके से नीतीश कुमार और कहा जा रहा है कि और ऐसे मंत्री हैं जिन्हें कॉल नहीं गया है अभी तक, वो PM आवास पर जो मीटिंग चल रही थी उसमें नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर बीजेपी ने क्या कुछ नई तरीके का डिसीज़न लिया है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें, और बीजेपी किस तरीके से या NDA किस तरीके से एंड मोमेंट पर कुछ नए डिसीजन ले सकती है, शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ कोई बड़ा झटका भी लग सकता है, और जिस तरीके से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, ये जानकारी भी सामने आ गई है।